सोमवार को बढ़ते बिजली बिलों को लेकर पूरे शहर में आक्रोश व्यक्त किया गया। इस बीच आदिवासी गोंड बस्ती में भी बढ़ते बिजली के बिलों को लेकर नागरिकों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया। नागरिकों का कहना है कि बढ़ते बिजली के बिलों के कारण उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। लॉकडाउन के समय राज्य के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने बिजली बिल का दर कम किया जाएगा यह आश्वासन राज्य की जनता को दिया था, पर इस बात से नितिन राउत अब मुकर रहे हैं, जिसके चलते समाज के सबसे निचले तबके के लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। और ऐसा ही कुछ नजारा शहर के आदिवासी गोंड बस्ती में भी देखा गया। बढ़ते हुए बिजली के दरों से यहाँ के लोगों में काफी आक्रोश नजर आया। इस बस्ती में रहने वाले लोगों की जितनी वार्षिक आय भी नहीं है उतने उन्हें बिजली के बिल आए हैं। इस वजह से उनकी स्थिति और भी गंभीर हो गई। इस बस्ती में रहने वाले लोगों के सामने एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अब वे किसकी ओर देखी। इस बस्ती में रहने वाले लोग सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये आदिवासी गोंड वस्ती राजे भोसले काड़ातून आहे आणि खूप गरीब वस्ती दलित वस्ती आहे। या वस्ती मध्ये फक्त 270-300 फुटाचे दोन रूम काढलेले आहे। त्या दोन रूमामध्ये दोन लाईट आणि त्यांचं बिल 39,000 कोणाचे 15,000। हे रोज कामावर जाणे ना तिथून आणणे तिथून खाणे यांना काय ड्युटी वगैरे नाही काय पगारी नाही। हे रोजचे छोटे मोठे कार्य करून धंदे करून काही करून आपला पोट पाणी भरते आणि यांचं बिल 39,000। हा आदिवासी गोंड वस्ती हा बिल आहे 15,880 रुपये। याच्यानंतर नागपूर महानगरपालिका जलप्रद आहे पाण्याचा बिल इकडे पाठवलेलं आहे 6,77,245 रुपये। त्याच्यानंतर हा इलेक्ट्रिकचं बिल 39,740 रुपये। तुम्ही भाऊ यांचे घर बघू शकता, यांच्या घरामध्ये फक्त दोनच रूम आहे, दोन रूमामध्ये दोन लाईट आणि एक साधा पंखा आहे तोही कमी चालते काऊन की यांची वापर नेहमी बाहेरच राहते। तरी पण त्यांना 40,000, 15,000, 20,000 अशी बिलं येतात। हे कुठून भरणार आहे लोक? हे म्हणजे यांच्या जीव देण्याची पाळी आली आहे। लॉकडाऊनमध्ये तर यांना एवढा त्रास होता की यांच्या खायची सुद्धा व्यवस्था नव्हती। या निकम्या सरकारनी सर्वांचं गरीब लोकांचं पूर्ण जीवन खराब केलं आहे। कमीत कमी नाही काय तर किमान या गरीब लोकांसाठी काही ना काही मार्ग त्यांनी काढलं पाहिजे आणखी वीजली बिल माफ झालं पाहिजे। बस एवढंच विनंती आहे, बाकी काही नाही। या वस्तीमध्ये 300 वरचं घर आहे, आणखी सर्वांच्या घराचे बिल 15,000, 20,000, 10,000 असे आलेले आहे। 40,000 रुपये आले दादा, मी गरीब लोक कुठून भरेन? मी तो मागून मागून खाऊन राहिले। एवढं कंडक्शन झालं आमच्या वस्तीमध्ये, आम्ही आदिवासी गोंड लोक, आमच्यापाशी खाले पियाले काही व्यवस्था नाही, मग कसं बिल भरायचं तुम्हीच सांगा। आम्हीच तो मरून राहिले का ड्युटी सर्व्हिसवाले लोक होय आम्ही। इसकी रकम 6,00,000, 6,50,000 रुपये करीब है सर। और ये कई दिनों से हमारे घर में पानी भी नहीं आता, फिर भी ये बिल हम लोग भर नहीं सकते। हम लोग गरीब आदमी, ना नौकरी ना ड्यूटी ना कोई सर्विस करते हैं, सिर्फ ऐसे खाते पीते साफ जीवन जी रहे, वैसे तो भीख मांग के खाए बीच में लॉकडाउन में। ऐसे हमारे पर परेशानी, हम लोग बिल कहाँ से भरेंगे? हमें मेहरबानी करके हमें माफ़ किया जाए और हमसे कोई बिल मिल नहीं लिया जाए। 15,000 रुपये किती महिन्याचा बिल आहे? लॉकडाऊनचा बिल आहे का? बोलो। देख मेरा घर वो ऊपर में था जी, मेरा घर में लाइन नहीं है, कुछ नहीं है, 10 साल से वैसे अंधेरे हो गए। पहले मीटर आया था जब भी काट गए, 10,000 आया तो काट दिया मेरा लाइट। लॉकडाउन से पहले कट गया मेरा लाइट, अभी तक मेरे घर में नहीं है लाइट। बिल काट दिया तो अंधेरी, अभी तक मैं अंधेरे में ही सोती सर। मंग के कैसा भी खाती पीती, मेरे बाल बच्चे को मैं पालती, लेकिन घर में मेरा अंधेरे में मैं सो जाती। मेरा घर में एक लड़की है, एक लड़का है, मेरा आदमी है। टीवी नहीं है, पंखा नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरा घर में। हम बहुत ही गरीब, ये बस्ती से सबसे गरीब मैं हूँ, बच्चे नहीं आवे है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ दिशा हटवार, NBC News नागपुर।